अस्सलामुअलैकुम। पूरी दुनिया के बहुत ही अच्छे नाथा जिनको सुनने मिली पूरी दुनिया बेताब रहती है सिद्धांतकार, और इस महफिल में हमारे सभी के जो मौजूद इकराम बैठे हैं उलमा इकराम और सभी सामईन का मैं बहुत बहुत दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, नासिर भाई ने जिस प्रोग्राम को नाम दिया है इत्तेहाद उम्मत का, मैं मानता हूँ कि उसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि आज पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी जाओ, जो सड़कें हैं वो हमारे खून से रंगी पड़ी है। उसके पीछे की बुनियाद सिर्फ एक ही है, न उसमें सिया की बात है, न सुन्नी की बात है, न देवबंदी की बात है, न बरेली की बात है। बात एक ही है, दुश्मन एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब कलमे की दुश्मनी हो और ऐसे वक्त में हम एक कलमा पढ़ने वाले, एक कुरान पढ़ने वाले, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले अगर हम एक नहीं हो, तो मैं मानता हूँ कि जो आज के जो हालात हैं उसके पीछे का सबसे बड़ा कोई मकसद, जिसके सबसे बड़े जो कारण है वो सबसे वो यही है। सबसे पहले तो हमको जिस तरीके से हमारे उलमा इकराम ने बहुत अच्छी बात की, आज वो दिन है कि जब दो दिन के बाद, अब तो एक ही दिन बचा है जैसे ईद मिलादुन्नबी का दिन है, वो दिन जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद हुई, हम वो खुश नसीब हैं कि हमारे वो नबी जिन्होंने अल्लाह की पहचान हमको कराई, वो नबी जिनकी उम्मत में पैदा होने के लिए 12-12 नबी दुआ करते थे कि अल्लाह हमको उनकी उम्मत में पैदा कर, और हम वो खुश नसीब है कि जब हम पैदा हुए हमसे भी नहीं थे तो हमारे कानों के अंदर अजान दी गई अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम रसीकदार है कि हमको तो बगैर मांगे ये चीज़ हमको मिली है। तो आज की जो ये महफिल है, ये महफिल जब दुरूद सलाम की बात होगी, आप सल्लम की शान के अंदर जब कसरत पड़े जाएंगे, मैं मानता हूँ कि ये महफिल आज की जो है ये शायद इंशाल्लाह हमारे बख्शिश का बाइस भी बनेगी। दोस्तों, आज ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए कि आगे भी बहुत हम लेट हो गए, आगे भी बहुत ज़रूरी प्रोग्राम में भी जाना है और आप लोग सब आए सुनने के लिए, इसलिए ज़्यादा देर में विलन भी नहीं बनना चाहता कि आप लोग उनकी बात को सुने, लेकिन मैं सबसे एक ही बात मैं करता हूँ, एक ही बात मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं अक्सर रखता हूँ कि हम लोग को चाहे हमारे सियासी मकासद, सियासी पार्टी अलग अलग हो, चाहे हमारी सोच अलग अलग हो, लेकिन कम से कम हमको कलमे की बुनियाद पे जहाँ कहीं भी हमारी समाजी बात हो, हमारी सियासी बात हो, तो हर चीज़ को हर अपनी पार्टी का चोला बाजू में रख करके हमको हमारे समाज के साथ खड़े रहे। सियासत तो होती रहेगी, सियासत वो गंदी चीज़ हो गई आज के दौर में कि जो आपस में लड़ाने का और राइतफाकी पैदा करने का काम उसी से होता है। लेकिन जब हमने कलमा पढ़ा है, जब हम उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, तो हमको ये भी सोचना है कि जो भी सियासी हजरात हैं कि हमारे कंधों पे जो जिम्मेदारी है, जो लोग हमको चुन करके लेकर के आते हैं, तो उसके पीछे का जो उनका लोगों का जो मकसद होता है कि उनकी बात को, उनकी परेशानियों को मजबूती के साथ बगैर डरे टंके की चोट पे जालिम हुकूमतों के सामने कहने का हमको ईमानदारी से काम करना चाहिए, और वो काम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कोशिश होती है इतनी कोशिश से उस काम को हम लोग कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए अपनी बात को यहाँ पर मुख्तसर बात को पूरी करता हूँ कि हम तमाम लोग हर चीज़ को दरकिनार करते हुए कलमे की बुनियाद पे हम लोगों को एक होकर के समाज के जो सामाजिक और सियासी मसले उस पर एक होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारे सामने के जो सवालात हैं उसमें अगर हम मुतहद होकर के नहीं लड़े, अगर बिखरे ही रहे, तो मैं मानता हूँ कि हमारी मुश्किलें कम नहीं, हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन मैं आपको कह दूँ कि चाहे कितनी भी साजिशें हमारे खिलाफ भी चलती हो, मेरा ईमान भी और मेरा यकीन भी है कि साजिशें ज़मीन पर बनती है और फैसले आसमान से उतरते हैं, और इंशाल्लाह जो फैसले उतरेंगे वो हमारे लिए बहुत ही खैर आफियत और भलाई होंगे। सवाल इतना ही है कि हमको जो हमारे पैगंबर ने जो दीन को सिखाया उस पर जमना भी है, आपसी जो इत्तेफाक और इत्तेहाद है उसको हमको बढ़ाना भी है। तो मैं मानता हूँ कि इंशाल्लाह अगर मजबूती के साथ एक होकर इस चीज़ों का सामना करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि अंधेरा छटेगा और इंशाल्लाह एक मरतबा फिर से सूरज उगेगा। इतनी बात लेकर अपनी बात को पूरी करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम।